सुनायो। गुरु धनमंतर को नवल देव ने चिट्ठी लिखी, 1400 चेलन को लेके गुरु धनमंतर चले, क्योंकि गुरु धनमंतर की जहां तक नजर जाती थी वहां तक का जहर उतर जाता था। तक्षक रस्ते में मिल गए, बोलो हमारी तुम्हारी दो छोटे ही हो जाए। एक वृक्ष पे फुसकार, हमारी वृक्ष सूख गया। जैसे ही गुरु धनवंतर की नजर पड़ी, वृक्ष हरा भरा हो गया। समझ गए तक्षक डॉक्टर जा रहे हैं, वे ठीक कर दिए। आगे छोटा बन के लटको, छोटा बन के जब गिर पड़ो रास्ता में, तो गुरु धनवंतर ने वो छोटा उठाओ, पीठ में खुजली मची हुआ ऐसा। अरे काए गुरु जी काले ने, काए गुरु जी काले ने, सांगा लय पीठ में हो जो महाराज दसो। तो गुरु जी बोले ऐसो करो, हमें जमीन पे गाड़ दे रो, ढांक बजान लगो। जमीन पे जब गाड़ो है तो तक्षक आएगा, बोले गुरु जी को जमीन में गाड़े हो, नरक में जाओगे, चलो निकालो निकाल लो। गुरु जी बोले जैसे मर रहे हो ना वैसे ही मरो, हमें काट के और रांध के और खाए जाओ। जितनी विद्या हम में है सब तुम में पहुंचे। तो गुरु जी को काट के और जब बनाने लगे तो नमक ही छीके पाओ, तब तक तो तक्षक आएगा, बोलो गुरु जी को मांस खाए रहे हो, नरक में जाओगे, तो नमक ही छीके पाओ। उतनी विद्या बची, पर रही है खाए ले तोता दियो, ऐसे वैसे कोई सांप खाए ले तोता दियो, और बिच्छू खा लो तो ता दियो, जो कोई करिया ने खा लो तो तेरे विवाह लो ना है। सारी अड़िया बंगाल के लिए छुड़वा दी, सारी जो गुरुजी का मांस सब बंगाल वालों ने खाया, सारी विद्या बंगाल में पहुंच गई। बोली वाक्य बिहारी लाल की, सतगुरुदेव भगवान की। परीक्षित के लिए विमान आया है, विमान में बैठ करके परीक्षित वैकुंठ धाम के लिए चले गए। और ये एक शेख